अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट दी कार्टिलेज एंड इट्स टाइप्स, के कार्टिलेज क्या है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है अबाउट बोन्स, और उसके बाद हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन्स को। तो व्हाट आर बोन्स, बोन्स क्या होते हैं। स्केलेटल सिस्टम का जो रोल था या जो फंक्शन था, क्योंकि हमारा स्केलेटल सिस्टम या जो स्केलेटन है वो बनता है बोन्स एंड कार्टिलेज से, तो बोन्स स्केलेटन सिस्टम का जो फंक्शन है वो फंक्शन बोन का भी है। यानी हमने क्या कहा था कि हमारा स्केलेटन किस चीज़ को, हमारे बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसी तरह हमारे बोन्स क्या कर लेते हैं, हम जो हमारे बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन्स है लाइक ब्रेन, हार्ट एंड लंग, उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी हिफाजत कर लेते हैं। इसी तरह ये हमारे बॉडी को क्या देते हैं, एक किस्म का शेप देते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर बोन्स ना होते तो हमें एक मेंढक की तरह घुसे हुए दबे हुए दिखाई देते। इसके साथ साथ बोन का जो फंक्शन है ये न सिर्फ सपोर्ट, स्ट्रेंथ और ये फंक्शन परफॉर्म कर लेता है, बल्कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं लाइक रेड ब्लड सेल्स, इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं RBCs, नाइन्थ में तुम लोग डिटेल से पढ़ चुके हो, एरिथ्रोसाइट्स, या जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं लीकोसाइट्स, ये भी कहाँ पे पैदा होते हैं, बोन्स के अंदर पैदा होते हैं। अब बोन्स के टू पार्ट्स होते हैं, यानी देयर बोन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। टू पार्ट्स किस तरह होते हैं, एक को हम नाम देते हैं कॉम्पैक्ट बोन और एक को हम नाम देते हैं स्पॉन्जी बोन। वन इज आवर बोन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द कॉम्पैक्ट बोन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज स्पॉन्जी बोन। अब स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन में डिफरेंस क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, यहाँ पे देखिए डायग्राम की तरफ। फॉर एग्जांपल ये कोई हड्डी है, ठीक है, क्या है, कोई हड्डी है हमारे पास। अब हड्डी का तुम लोगों ने देखा होगा, अभी रिसेंटली ईद उल अज़हा गुजर चुकी है, बहुत सारे बोन्स देखे होंगे तुम लोगों ने। जो हड्डी का बाहर वाला हिस्सा होता है वो चमकदार सा होता है, सख्त सा होता है। यानी बोन्स के टू पार्ट्स हैं, एक ही हमारे पास आउटर पार्ट है, दूसरा क्या हो गया, इनर पार्ट हो गया। तो जो बाहर वाला हिस्सा होता है चमकदार सा होता है, सख्त सा होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। तो कॉम्पैक्ट बोन की डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं कि इट इज़ द हार्ड आउटर पार्ट ऑफ बोन, यानी ये क्या है, हार्ड है, ज़्यादा सख्त है, एंड आउटर पार्ट, आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर वाला है। तो जो सबसे बाहर वाला होता है बोन का, चमकदार होता है, सख्त होता है, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। इसके साथ साथ तुम लोग देखा होगा जब किसी हड्डी को तोड़ते हो, अगर घरों में पड़े होंगे तो फ्रिज से निकाल के ना उसको तोड़ दो हड्डी को, तो एक स्पॉन्ज दरमियान में हड्डी क्या होगी, एक स्पॉन्ज किस्म की स्पॉन्ज होगी, यू खाली खाली इनमें लाइनें होंगे, इनको हम बोलते हैं, यानी ये हमारे पास बोन्स का क्या है, बोन्स का इनर पार्ट है, यानी इनसाइड पे मौजूद होते हैं, और ये क्या होता है, स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्ज की तरह होता है, पोरस होता है, इनमें सुराख नुमा होते हैं, इनमें छोटे छोटे सुराख टाइप होते हैं। तो इस ऐसे बोन को जो कि क्या है, इनर साइड पे मौजूद है, क्या है, इनर साइड पे मौजूद है, ये क्या है हमारे पास, पोरस है, सुराख नुमा है, तो ऐसे बोन को हम नाम देते हैं स्पॉन्जी बोन। क्या नाम देते हैं, स्पॉन्ज बोन देते हैं। स्पॉन्ज बोन के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल मौजूद होते हैं, द स्पॉन्ज बोन हैव ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए, इनके अंदर तुम लोगों ने देखा होगा हड्डी के अंदर, लोग कहते हैं कि इसको वो बोलते हैं मगज बोलते हैं, क्या बोलते हैं पंजाबी में, मुझे इसका नाम नहीं आता, जो हड्डी क्या कर लेते हैं, चावल वगैरह में डालते हैं पाँव की वगैरह के, और दरमियान में जो गोदा मौजूद होता है, तो जो गोदा मौजूद होता है इसको हम बोलते हैं बोन मैरो।
जिसको तुम लोग क्या कर लेते हो, निकाल के चावल पे डाल देते हो या वैसे निकाल के खा लेते हो। ये एक चुगली क्या होता है, गोदा होता है, इसको बोन मेरो बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? बोन मेरो। हड्डियाँ मौजूद होंगे, ये सारा निकाल के पकाओ, आउटर पार्ट भी देखो, इनर पार्ट भी देखो, बोन मेरो भी देखो। तो बोन मेरो ये बोन का वो पार्ट है, बोन का वो हिस्सा है जो कि बना देते हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि बोन्स के फंक्शन क्या है, सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है, शेप है। जो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल कहाँ से पैदा होते हैं, ये जो हमारे पास बोन मेरो है ये बना देते हैं, रेड ब्लड सेल को भी पैदा कर लेते हैं, साथ में वाइट ब्लड सेल को भी क्या करते हैं, इसको भी बना देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कि आवर बोन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज स्पॉन्जी बोन वाइल द इनर पार्ट इज द पोरस एंड इट्स कॉल्ड एज आउटर पार्ट कम्पैक्ट बोन, इनर क्या है हमारे पास, स्पॉन्जी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी तुम लोग को याद होना चाहिए, MCQs में भी याद होना चाहिए कि आउटर पार्ट्स कौन सा है, इनर पार्ट कौन सा है, और हमारे पास जो बोन मेरो है वो किस चीज़ को पैदा कर लेते हैं। इसी तरह कार्टिलेज में भी दो चीज़ें थे, एक था प्रोटीन जिसको हमने नाम दिया था कोलेजन का, दूसरे थे कार्टिलेज के सेल्स थे जिसको हम नाम दिया था कंड्रोसाइट्स। इसी तरह बोन के अंदर भी यही दो चीज़ें होते हैं, एक को हम नाम देते हैं कोलेजन, जो कि क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और दूसरा इनके अंदर क्या होते हैं, यानी इनके अंदर होते हैं सेल्स होते हैं, बोन्स के सेल्स होते हैं। और जिस तरह कार्टिलेज के सेल को हमने कंड्रोसाइट का नाम दिया था, इसी तरह मैच्योर बोन सेल को हम नाम देते हैं ऑस्टियोसाइट्स, मैच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियो बोलते हैं बोन को बोलते हैं, साइट्स बोलते हैं सेल को बोल देते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द बोन एंड इट्स पार्ट्स। इसके बाद हम आते हैं ह्यूमन स्केलेटन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ ह्यूमन स्केलेटन, इसमें बोन्स कितने हैं, कौन कौन से बोन्स हैं, हमारे अपर बॉडी में बोन्स की तादाद कितनी है, लोअर बॉडी में बोन्स की तादाद कितनी है। यहाँ पे इतना जो ह्यूमन स्केलेटन है इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ नंबर ऑफ बोन्स तुम लोग को बताए हुए हैं। इंशाल्लाह जब इफिसी में जाओगे वहाँ पे एक एक बोन का नाम तुम लोग को याद होगा फिर। तो अब हम आते हैं ह्यूमन स्केलेटन की तरफ आते हैं, ह्यूमन स्केलेटन। वैसे जब बच्चा पहले पहले पैदा होता है तो उसमें जो नंबर ऑफ बोन्स है, जो बोन्स की तादाद है वो होती है 300। बेबी के अंदर कितनी होती है, 300। लेकिन जो ही यही बेबी एडल्ट हो जाए तो नंबर ऑफ बोन्स आ जाते हैं 206। यानी हम कहते हैं कि एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स है वो क्या है, 206 बोन्स। क्लियर हो गया। अब पहले बच्चे के अंदर 300 थे, बच्चा जवान हो गया, 206 क्यों हो गए? एक्चुअली कुछ बोन्स होते हैं, छोटे छोटे बोन्स होते हैं, वो जब बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है तो वो बोन आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और इनसे एक बोन बन जाता है। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें स्टार्ट में फिक्स बोन, मतलब पूरे के पूरे बोन्स क्यों नहीं आते, चूँकि पैदाइश के वक़्त फिर क्या होती है, वहाँ से जो बर्थ कैनाल है वहाँ से निकलने में क्या होते हैं, मदर को मुश्किलात होते हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम पैदा किया हुआ है कि इसमें स्टार्ट में नंबर ऑफ़ बोन 300 है, लेटर आन वो फ्यूज़ होके क्या बनाते हैं, नंबर ऑफ़ जो बोन्स है 206 बोन बना देते हैं। आज बहुत गर्मी वैसे। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, ह्यूमन स्केलेटन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम नाम देते हैं एक्सियल स्केलेटन। वी कैन डिवाइड द ह्यूमन स्केलेटन इनटू टू पार्ट्स, वन इज एक्सियल स्केलेटन एंड सेकंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। सेकंड क्या है हमारे पास, अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो हमारे पास, पहले मैं ये भी बताऊं कि एक्सियल स्केलेटन कौन से स्केलेटन को बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन से को बोलते हैं, लेकिन जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें नंबर ऑफ बोन हमारे पास
80 है, और जो हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें नंबर ऑफ बोन्स है 126, यानी टोटल कितने हमारे पास 206 है। अब इसी एक्सियल स्केलेटन को अगेन हम डिवाइड कर लेते हैं, इसमें से हमारे पास आता है, एक आता है स्कल, इसमें से हमारे पास स्कल में फिर हमारे पास आते हैं ईयर के बोन्स आते हैं, इसमें हमारे पास हायड बोन, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आता है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम आता है, इसी तरह हमारे पास आते हैं इसके अंदर रिब्स आते हैं, और फिर हमारे पास आता है स्टर्नम। अब मैं एक बताता जाऊँगा, स्कल, स्कल किस चीज़ को बोलते हैं? स्कल यानी हमारे जो गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा, ये नहीं कुछ लोग कहते हैं कि स्कल सर की हड्डी को बोलते हैं, नहीं, स्कल बोलते हैं जितनी भी हमारे चेहरे के अंदर हड्डियाँ हैं या जो हमारे सर के अंदर हड्डियाँ है इसको बोलते हैं स्कल बोलते हैं। स्कल में जो नंबर ऑफ बोन्स है स्कल के अंदर, यहाँ पे मैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे स्कल के अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स है वो है 22, कितने हैं 22। इसी 22 में से यानी स्कल को अगेन हम डिवाइड कर लेते हैं टू पार्ट्स में, एक को हम नाम देते हैं क्रेनियल बोन्स या क्रेनियम बोन्स बोलते हैं, दूसरे को हम नाम बोलते हैं फेशियल बोन्स बोलते हैं या बोन्स ऑफ आवर फेस। क्रेनियल बोन्स वो बोन्स जो कि हमारे दिमाग को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रेनियल बोन्स बोलते हैं, और इसकी तादाद कितनी है, दे आर 8 इन नंबर। इसके बाद हमारे पास फेशियल बोन्स है जिसको हम बोलते हैं जो हमारे चेहरे के हड्डियाँ होते हैं, वो क्या है, तादाद में कितने हो गए, 14 हो गए, यानी एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि स्कल के अंदर नंबर ऑफ बोन कितने हैं, 22 है। इसके बाद आते हैं ईयर बोन्स में, ईयर के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, यानी ईयर के तीन पार्ट्स थे, एक आउटर पार्ट था, एक मिडिल पार्ट था, एक इनर पार्ट था। जो मिडिल पार्ट था वहाँ पे तीन बोन्स थे, अगर तुम लोगों ने लेक्चर सुना होगा या देखा होगा तब तुम लोगों को याद होगा, तीन छोटे छोटे बोन्स थे जिसको हमने नाम दिया था मिडिल ईयर ऑसिकल्स। क्या नाम दिया था हमने, मिडिल ईयर ऑसिकल्स, या इसको हम नाम देते हैं मिडिल ईयर बोन्स का नाम भी दे देते हैं। तो तीन मिड बोन्स एक ईयर में, तीन दूसरे में, तो हमारे पास कितने हो गए ईयर के बोन, यानी स्कल में 22 हो गए, फेस के भी सर के भी, हमारे पास ईयर में कितने हो गए, एक में तीन दूसरे में तीन, 6 हो गए। हायड बोन, गर्दन में एक बोन होता है जो हमारी जो जबान है उसके बैक साइड पे होता है अंदर की तरफ, तादाद में होता है एक होता है। क्लियर हो गए यहाँ तक? क्रेनियल और फेशियल का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जो चेहरे के बोन्स हैं उसको फेशियल बोन बोलते हैं, जो सर के बोन्स हैं उसको क्रेनियल। सेकंड ईयर में तुम लोग डिटेल से पढ़ोगे कि क्रेनियल में हमारे पास कौन से बोन होते हैं, पेरिटल होते हैं, हमारे पास टेम्पोरल होते हैं, मार्ड होते हैं, बहुत सारे, यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा बैक बोन है, तुम लोगों ने सुना होगा कि हमारा जो बैक बोन है या वर्टिब्रल कॉलम है छोटे छोटे हड्डियों से बना हुआ है, यानी उसमें जो वर्टिब्री की तादाद है वो कितनी है, 33 है, लेकिन नंबर ऑफ बोन 33 नहीं है, वर्टिब्री 33 है, नंबर ऑफ बोन कितनी है उसमें, 26 है। ये 33 और 26 का लिटिल बिट मैं तुम लोग बताता जाऊँ कि आखिरी मतलब वर्टिब्रल कॉलम को भी अगेन हम चार हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जो बिग बोन के आखिर पे जिसको हम कहते हैं कि एक टाइम ऐसा होता था कि यहाँ पे इंसान का क्या था, टेल था, दुम था, तो वहाँ पे हड्डियाँ छोटे छोटे हड्डियाँ आपस में मिल जाते हैं और उसको फिर हम एक हड्डी काउंट कर लेते हैं, तो इस वजह से जो नंबर ऑफ बोन है वर्टिब्रल कॉलम में कितना है, 26 है। रिब्स हमारे पसलियाँ कितने हैं, 12 एक साइड पे है, यानी हम कहते हैं कि 12 पियर है, पियर बोलते हैं जोड़े को बोलते हैं, 12 एक साइड पे, 12 दूसरे साइड पे, कितने हो गए, 24। स्टर्नम, स्टर्नम हड्डी का नाम है, यानी बिल्कुल जो यहाँ पे रिब्स की जो दरमियान में हड्डी मौजूद होती है इसको बोलते हैं स्टर्नम।
इसको चेस्ट बोन भी बोलते हैं, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, एंड दे आर वन इन नंबर। तो ये सारे आपस में जमा करो, कितने आएंगे, 80 बोन्स यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन को, लेकिन जो स्केलेटन वाला ये हमारा जो चैप्टर है इंतहाई आसान है, सिंपल सा चैप्टर है, और यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो तुम लोग अच्छी तरह इसको अभी से तैयार करें ताकि कॉलेज ओपन होने पे तुम लोग के लिए क्या हो, आसानी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।